क्रिटिक्स का क्रिटिक। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और वहीं इस फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। दोस्तों वहीं बात करेंगे दूसरी मूवी, जो कि दूसरी मूवी प्रेम की थ्री मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और वहीं इस मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है, और साथ ही साथ यह फिल्म अपने आज के दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या रिस्पॉन्स दिखा रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें, ताकि हमारी इसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो आप लोगों को बताइए चले कि सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी, जिस मूवी को 23 सितंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, और इस मूवी ने जोरदार और धमाकेदार तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रिस्पॉन्स भी दिखाया। आप लोगों को बताई चली कि इस फिल्म में आप लोगों को पूजा भट्ट, जो कि बहुत ही लंबे समय के बाद दिखाई दी है पर्दे पे, जिन्होंने बहुत ही जोरदार तरीके से एक्टिंग भी करी है चुप मूवी में, और वहीं पूजा भट्ट और वहीं आप लोगों को बताई चली कि सनी देओल की जोड़ी को ऑडियंस बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी दे रही है, और वहीं श्रेया धन्वंतरी और दुलकर सलमान ने भी चुप मूवी में जान डाल दी है, और दुलकर सलमान और श्रेया धन्वंतरी की भी बहुत ही ज़्यादा तारीफ हो रही है। आर के डायशो में बनाई गई फिल्म चुप मूवी, जो कि 10 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई है, और यह फिल्म ने जो कि अपने बजट से ज्यादा का रिकवर किया, और साथ ही साथ सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी को ऑडियंस ने प्यार भी दिखाया और अच्छा खासा रिस्पांस भी देखने को मिला। हालांकि कुछ समय से बॉलीवुड की फिल्में अच्छा खासा कलेक्शन नहीं कर पा रही, ऐसे में सनी देओल की फिल्म चुप मूवी ने अच्छा खासा कलेक्शन भी किया और साथ ही साथ ऑडियंस के दिलों में घर भी बनाया। वहीं बात कर लेते हैं सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप लोगों को बताई चली कि सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी ने अपने पहले दिन जोरदार तरीके से ऑडियंस के दिलों में घर बनाया, और इस फिल्म ने अपने पहले दिन 3 करोड़ रुपए का कारोबार किया। वहीं दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन इस फिल्म ने 1,70,00,000 रुपए का कारोबार किया और सारे हेटर्स की बोलती बंद करी। आप लोगों को बता दें कि सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी जो कि जोरदार और धमाकेदार तरीके से कलेक्शन करी रही है, लेकिन सनी देओल की भी एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफ करी गई, और जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया, ऑडियंस ने उनको बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाया, और साथ ही साथ ऑडियंस उनको अच्छा खासा प्यार भी दिखा रही है। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप लोगों को बताइए चले कि सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी ने अभी तक 39 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है, और साथ ही साथ यह फिल्म अपने आज के दिन भी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी दिखा रही है और जोरदार और धमाकेदार तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, सनी देओल स्टारर फिल्म अपने आज के दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या रिस्पॉन्स दिखाएगी? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वहीं बात कर लेते हैं दूसरी मूवी के बारे में। तो दूसरी मूवी है आप लोगों को बताया चले कि इंडो नेपाली फिल्म प्रेम की थ्री मूवी। इंडो नेपाली फिल्म प्रेम की थ्री मूवी, जिस मूवी को 23 सितंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, और इस मूवी को जोरदार और धमाकेदार तरीके से ऑक्यूपेंसी भी मिली। आप लोगों को बता दें चले कि इंडो नेपाली फिल्म प्रेम की थ्री मूवी अभी तक की सबसे हाईएस्ट बजट वाली फिल्म है नेपाल की, और वहीं इस फिल्म को नेपाल में अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ इंडो नेपाली फिल्म प्रेम की थ्री मूवी को जोरदार और शानदार तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी हो रहे हैं। इस मूवी में आप लोगों को प्रदीप खरड़का, क्रिस्टीना जोरदार तरीके से एक्टिंग करते हुए नजर आई हैं, और वहीं आप लोगों को बताया चले कि शिव श्रेष्ठ और सुनील थापा भी आप लोगों को देखने को मिले हैं प्रेम की थ्री मूवी में। प्रेम की थ्री मूवी जो कि एक रोमांटिक एक्शन फिल्म होने के कारण इस फिल्म को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से, और अच्छा खासा प्यार भी मिल रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप लोगों को बताया चले कि इंडो नेपाली फिल्म प्रेम की थ्री मूवी ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी दिखाई, और इस फिल्म ने 1,50,00,000 रुपए का कारोबार किया। वहीं दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन इस फिल्म ने 1,03,00,000 रुपए का कारोबार किया, और तीसरे दिन इस फिल्म ने 1,80,00,000 रुपए का कारोबार करके सारे हेटर्स की बोलती बंद करी। वहीं दोस्तों चौथे दिन इस फिल्म ने 65,00,000 रुपए का कारोबार किया, और वहीं आप लोगों को बताया चले कि इस फिल्म ने अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर जोरदार और धमाकेदार तरीके से कलेक्शन किया और ऑडियंस का दिल जीतते हुए नजर आई, और इस फिल्म ने अभी तक 40 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इंडो नेपाली फिल्म प्रेम की थ्री मूवी देखी है, तो आप लोगों को इंडो नेपाली फिल्म प्रेम की थ्री मूवी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी देखी, तो आप लोगों को यह मूवी कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।